गिब्स बिजनेस स्कूल बेंगलुरु। अगर आप भी स्कूल को टारगेट कर रहे हैं या फिर यहाँ एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है और एंड तक जरूर देखें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए जरूर बेनिफिशियल साबित हो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मैक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय कॉलेज बडी में। आज हम बात करेंगे गिब्स बिजनेस स्कूल बेंगलुरु के बारे में और जानेंगे इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, लाइक इसकी प्लेसमेंट, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बहुत सी और इम्पोर्टेंट बात। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर वी विल पोस्ट अ न्यू वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में। गिब्स बिजनेस स्कूल स्टैंड्स फॉर ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज। इट इज बेसिकली अ प्राइवेट बिजनेस स्कूल व्हिच इज लोकेटेड इन बेंगलोर कर्नाटका India, which is known as a major hub for education and IT industries in India. Global Institute of Business Studies, that is GIBS, is a part of Global Educational Trust, which is an institute of international standard. And it has successfully built its own reputation as one of the best B schools in Bangalore in terms of pioneering refined quality of learning, moral keep up and intellectual support across the all accomplishing fan of advanced education in India. It is approved by AICTE, Ministry of Education and Government of India. And it is also affiliated to Bangalore University. आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इनकी rankings की। It is ranked 11th in the best B schools of Times of India. And it is also ranked 10th in the best B schools in Bangalore by Business Today as well. और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सी ऐसी societies भी हैं जो कि students drive कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसी 10 plus यहाँ पे societies हैं जो कि student ही चला रहे हैं, जिसमें faculty members का कोई भी हाथ नहीं होता। ये ज्यादा से ज्यादा आपकी practical knowledge पर focus करता है। जी हाँ, 70% इनका practical knowledge रहता है, जिसमें 50 जो है वो entirely आपका practical रहेगा और जो 20 रहेगा वो आपका फील्ड वर्क आएगा और बाकी जो 30% है वो रहता है आपका थ्योरी। तो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस करती है और थ्योरी पर कम करती है। और ये मेरे हिसाब से एक यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है, क्योंकि आज के टाइम में थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं इनके प्रोग्राम्स के बारे में। गिब्स बिजनेस स्कूल ऑफर्स वेरियस मैनेजमेंट एंड बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज। वो कौन कौन से होते हैं जानते हैं। सबसे पहले आता है आपका बैचलर्स ऑफ बिजनेस Administration, that is BBA. Gibbs offers a 3-year program for its management student, जिसका नाम होता है PBA. फिर आता है Masters of Business Administration, that is your MBA program. Gibbs offers a 2-year full-time MBA program with specializations in the areas like marketing, finance, human resource and international business. फिर आता है PGDM, that is Postgraduate Diploma in Management. They may also offer many PGDM programs with different specializations and different fields. और फिर आता है Executive MBA. Gibbs may have executive MBA programs tailored for working professionals as well. तो दोस्तों, इन सभी courses की eligibility criteria, fees और स्पेशलाइजेशन विद डिटेल आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इनके एक और विंग के बारे में। आप विंग बोल लो या फिर एक सेगमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, और वो आता है गिब्स फिनिशिंग स्कूल। इट इज बेसिकली अ डेडिकेटेड विंग टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑन स्टार्टअप्स, प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। जी हाँ, ये वीक में एक दिन ऐसा रखते हैं जो कि जनरली सैटरडे ही होता है, जिसमें आपकी कोई और अदर क्लासेस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इसी के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को क्लासेस दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी स्टूडेंट आपका स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है, मतलब जो कि अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्या नहीं, ये सभी चीजों से स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है। और वो सभी स्टूडेंट जो कि प्लेसमेंट्स का वेट कर रहे हैं, प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी ट्रेन किया जाता है। और वो सभी स्टूडेंट जो कि इंटर्नशिप्स लेने के केपेबल हैं या फिर इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं, ताकि उनको ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाए, स्किल्स एनहांस हो पाए, तो उनको भी ट्रेन किया जाता है। तो बेसिकली इस विंग में वो सभी स्टूडेंट जो कि स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड हैं, प्लेसमेंट्स करना चाहते हैं या फिर इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं, इन तीनों एस्पेक्ट्स पर आपको ट्रेन किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है। और यहाँ पे आपकी ग्रूमिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स पर काम किया जाता है, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स और आपके एप्टीट्यूड टेस्ट पर भी ट्रेन किया जाता है कि आपको इनके बारे में कितनी नॉलेज है, कितनी नहीं है, कितनी
ऑन गेन करने की जरूरत है। और यहाँ पे आपको लिसनिंग स्किल्स पे भी काम करा जाता है, साथ ही साथ आपको बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज भी कराए जाते हैं और उन मॉक इंटरव्यू से आपकी स्किल्स एनहांस होती हैं और नॉलेज गेन करते हैं। तो बेसिकली इन मॉक इंटरव्यू से स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं कि उनको आगे फ्यूचर इंटरव्यूज को कैसे फेस करना है और क्या चीजों का दिमाग में ध्यान रखना है कि क्या कैसे होनी चाहिए है और कितनी होनी चाहिए। और जब हम आगे कंपनीज में जाते हैं फॉर इंटरव्यू या फिर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस भी, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपका प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है। जी हाँ, ये सभी चीजें बहुत मैटर करती हैं और ये सभी चीज की नॉलेज अगर स्टूडेंट्स को होगी, इन चीजों के एस्पेक्ट पर वो अगर ट्रेन होंगे, तो आपको प्लेसमेंट्स मिलने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है और आप इजीली हाई प्लेसमेंट ले सकते हैं। साथ ही आपके एज एन इंडिविजुअल आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए, यानी आपको लॉन्ग टर्म में भी, ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इनके दूसरे विंग के बारे में, दैट इज गिव्स इनोवेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज बेसिकली अ कंप्लीट एक्शन स्कूल। हियर दे ट्रेन एंड इक्विप्स द फर्स्ट ईयर पीजीडीएम स्टूडेंट्स ऑन अबव एस्पेक्ट्स थ्रू वर्कशॉप्स, एक्सपर्ट सेशंस एसेट्रा। और इससे इन चीजों के द्वारा स्टूडेंट्स की अच्छी नॉलेज गेन हो जाती है और प्रैक्टिकल नॉलेज की मिलती है। पीजीडीएम स्टूडेंट्स विल रिसीव अ डिग्री फॉर देयर स्पेसिफिक स्पेशलिटी एट द कंप्लीशन ऑफ आईआरई स्कूल प्रोग्राम, दैट इज देयर इनोवेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो बेसिकली इट इज अ डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स जो कि स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट देता है। अब आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं इनकी प्लेसमेंट्स के बारे में। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन एंश्योरिंग दैट students are equipped with the necessary skills, knowledge to succeed in the workforce. तो यही अगर GIBS की placement cell की बात करें तो they have a very good placement cell that helps students in providing various employment opportunities. और at the end यही matter करता है कि आपको कितनी अच्छी placements मिल रही हैं, आपका package कितना अच्छा है। यही सोचा जाता है कि अगर हम कोई भी course कर रहे हैं उसमें इतना पैसा लग रहा है तो वहां से हमें ROI, that is your return on investment, ही अच्छा मिले। जितना हमने दिया है तो एटलीस्ट उस हिसाब से हमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफी अच्छी मिल पाए। तो यहाँ के एवरेज सैलरी पैकेज की बात करेंगे तो वो रहता है 7.5 लाख पर एनम और हाईएस्ट सैलरी पैकेज की बात करेंगे तो वो रहता है 15 से 16 लाख पर एनम। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आरओआई भी जिप से हमें अच्छा ही मिल जाता है। अब बात करते हैं इनकी रीसेंट प्लेसमेंट्स के बारे में, जो की रीसेंट स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, कौन कौन सी कंपनी में प्लेस हुए हैं मैं आपको बता देती। पहले आते हैं निशांत शर्मा जो की फ्लिपकार्ट में गए हैं, फिर आते हैं चंदन कुमार जो की कोटक महिंद्रा बैंक में गए हैं, फिर आती है आकांक्षा राठौर फ्रॉम विप्रो और फिर आती है ल्यूसी तालुकदार फ्रॉम एक्सेंचर और बाकी सभी के नेम आपके स्क्रीन पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। अब जान लेते हैं इनकी रिक्रूटर्स और कंपनीज के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। अब आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं इनके रिक्रूटर्स और कंपनीज के बारे में। जैसे कि आप यहाँ जानते हैं कि यहाँ से बहुत सी बड़ी बड़ी 160 प्लस रिक्रूटिंग कंपनीज आती हैं जो कि स्टूडेंट्स को यहाँ से रिक्रूट करके लेके जाती है और वो कौन कौन सी हैं, दैट आर Amazon, Puma, Bata, Wipro, Tata Motors और सभी कंपनीज का नाम आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके फैकल्टी मेंबर्स के बारे में। GIBS फैकल्टी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यंग एंड एक्सपीरियंस्ड, पैशनेट एंड क्यूरियस इंडिविजुअल। दे आर नॉट ओनली रिनोन्ड एकेडमिक पर्संस बट आल्सो एकॉम्प्लिश्ड स्कॉलर्स विद एक्सपीरियंस फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज, थेरबाय ब्रिंगिंग अ यूनिक प्रैक्टिकल अप्रोच टू लर्निंग जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है फॉर देयर फ्यूचर एंडेवर। अब जान लेते हैं ऐसे क्या रीजन है जो कि हमें GIBS स्कूल ऑफ बिजनेस बेंगलुरु को चूज करना चाहिए। सबसे पहले आता है यहाँ पे आपको मिल जाता है बेस्ट करिकुलम डिजाइन बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, फिर आता है बेस्ट प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, नेक्स्ट आता है प्रोफेसर फ्रॉम टॉप बी स्कूल्स अक्रॉस द वर्ल्ड और फिर आता है जो कि सबसे अच्छा एस्पेक्ट मुझे लगता है, दैट इज फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल। जी हाँ, 70% इनकी प्रैक्टिकल की रहती है और बाकी 30% इनकी थ्योरी की रहती है जो कि आज के टाइम के हिसाब से बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमें आज के टाइम के हिसाब से डिग्री से ज्यादा वैलिडिटी हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज की होती है कि कितना एक्सपीरियंस स्टूडेंट को है, कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है। नेक्स्ट आता है इट इज प्रमोटेड एंड ड्रिवन बाय IIM एलुमनाई और बाकी
सभी बेनिफिशियल पॉइंट या फिर क्या क्या ऐसे रीजन है जिससे हमें गिफ्ट को चूज करना चाहिए, बाकी आपकी सभी स्क्रीन पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना गिफ्ट बिजनेस स्कूल बेंगलुरु के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ। एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग एनी यूनिवर्सिटी एग्जाम और कोर्स, देन यू कैन फिल आवर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, द लिंक फॉर व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल एंड विल क्लियर ऑल योर क्वेरीज।